नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं रम्या रामायणी कथा। सगर के पुत्रों की मृत्यु हो गई है। सगर का यज्ञ पूरा हुआ, उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा उपाय सूझा नहीं कि किस तरीके से गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए। महाराज, सगर की भी मृत्यु हो गई है। काल धर्मम गते राजा सगरे प्रकृति जना राजानम रोचया मासे अंशुमंतम सुधार्मिकम। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले सगर ने अंशुमान को राजा बना दिया है। महाराज, अंशुमान जो हैं उनके यहाँ अत्यंत प्रतापी दिलीप नाम का पुत्र होता है। दिलीप को उत्तराधिकारी बना करके अपना राज्य सौंप करके, और अंशुमान जो हैं, क्योंकि उन्हीं को गरुण ने ये पूरी बात बताई थी कि कैसे उनके चाचा जो 60,000 सगर के पुत्र हैं उनका कल्याण माँ गंगा के आगमन से होगा, तो उन्हें ये चिंता होती है, इसलिए वो अपना राज्य दिलीप को दे करके और हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। द्वात्रिंशत्सहस्राणि 32,000 वर्ष तक वो तपस्या करते हैं। इससे उन्हें स्वर्ग की तो प्राप्ति होती है। इन पुण्यों के संचय से अंशुमान जो हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मां गंगा को पृथ्वी पे लाने का मार्ग नहीं मिलता है। महाराज, दिलीप को अपने पितामह, अपने पिता अंशुमान के जो चाचा हैं उनकी ये बात पता है, लेकिन वो अपने मन से, अपनी बुद्धि से ये निश्चय ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। कथम गंगा वतरणम कथम तेषाम जल क्रिया तारेयम कथम चैनाम इति चिंता परो भवत। बस मन में चिंता रहती है लेकिन उपाय कोई नहीं मिल रहा है। तस् चिंतय तो नित्यम धर्मेण विदितात्मना पुत्रो भगीरथो नामे यज्ञे परम धार्मिकः। और उसी चिंता के बीच में इन राजा दिलीप के यहाँ भगीरथ नाम का एक परम धार्मिक पुत्र होता है। देखिए, प्रतापी होना अलग चीज है और धार्मिक होना अलग चीज है। व्यक्ति प्रतापी है, इससे वो अपने कार्यों की सिद्धि तो कर सकता है, लेकिन अगर वो धार्मिक है तो वो समाज के कार्यों की सिद्धि कर सकता है। महाराज दिलीप पराक्रमी थे, प्रतापी थे, लेकिन भगीरथ जो है वो परम धार्मिक है। जब दिलीप राजा इस पृथ्वी से विदा हुए, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु होती है ऐसा उल्लेख है, और उनकी जगह पे भगीरथ इस पृथ्वी के राजा बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए तपस्या करना शुरू किया। वो हिमालय में जाते हैं। उल्लेख है कि 1,000 वर्ष तक वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि ठीक है, मैं गंगा को प्रवाहित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन समस्या ये है कि ये गंगा का प्रवाह पृथ्वी पे रुकेगा नहीं, ये सीधा पाताल लोक में चला जाएगा। इसको धारण करने की शक्ति मात्र शिव में है, तो आप अगर प्रजा का कल्याण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी पे जाएं, तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। इस प्रकार से गंगा उतरने के लिए तैयार हैं, भगीरथ गंगा को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पृथ्वी पे गंगा का प्रवाह रुक पाए इसका कोई उपाय जब नहीं समझ में आता है, तो
100 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद भगीरथ शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं और शंकर भगवान जो हैं वो इस चीज के लिए सम्मति देते हैं। अब कहानी में जरा आनंदजनक घटना आती है, क्योंकि गंगा जो है हिमालय की पुत्री है और पार्वती भी हिमालय की पुत्री है, पार्वती के पति हैं शिवजी। ऐसे में गंगा ये विचार करती हैं कि आज ये अच्छा मौका मिला है, मैं जब नीचे उतरूंगी तो अपने प्रवाह में इन अपने जीजा जी को भी साथ लेके चली जाऊंगी। देखते हैं जब गंगा पृथ्वी पे आती हैं तो आगे का घटनाक्रम कैसे चलता है। सुनते रहिए रम्या रामायणी कथा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।